डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड इन IPSec। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने IPSec के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताई, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि IPSec को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट मोड और दूसरा टनल मोड में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट मोड में क्या फर्क है, टनल मोड में एक्चुअली क्या होता है, और इसके रिलेटेड जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन जो है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक लेवल का एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मोड डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, देखो आपको पता है कि IPSec नेटवर्क लेयर पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर से जो मैसेज आता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ फाइनली ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब वो मैसेज आता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब उसमें चाहे TCP का हेडर लगा, UDP का हेडर लगा, व्हाटएवर हेडर इज एडेड, हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। ऊपर वाले से जो भी रिक्वायरमेंट है हमने उसमें हेडर लगा दिया, वेदर TCP लगाया UDP लगाया कोई फर्क नहीं है। जब वो पैकेट यहां से निकल के नेटवर्क लेयर पे आएगा, मतलब ये वाला पैकेट जब यहां पे नेटवर्क लेयर में आएगा, तो नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या करेंगे, IPSec का हेडर, किसका, IPSec का हेडर लगाएंगे और IPSec का ट्रेलर। तो यहां पे हेडर लगा दिया और यहां पे IPSec का ट्रेलर, ठीक है, हेडर और ट्रेलर। और ये किसका लगाया हमने, IPSec का, ठीक है। और क्यों लगाया वो हमें ऑलरेडी पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी है मतलब एनक्रिप्शन करनी है, इंटीग्रिटी अचीव करनी है मतलब हैशिंग को यूज करना है, व्हाटएवर अवर पर्पस, हमने क्या किया उस पैकेट को उठा के ऊपर से लेके आए और उसमें IPSec का हेडर, IPSec का हमने ट्रेलर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये पैकेट नीचे वाली लेयर पे जाएगा, नहीं, अभी तक हमने इसमें IPv4 या IPv6 का हेडर तो लगाया ही नहीं है। तो एक्चुअल में तो हमें पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए हमें IPv4 या IPv6 का हेडर लगाना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे को एक तरह से एनकैप्सुलेट कर दिया और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, IPv4 का या IPv6 का जो भी रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग हमने उसका क्या लगा दिया, हेडर लगा दिया। क्लियर है, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना या कहीं से भी पढ़ते हो तो ये चीज क्लियर ही नहीं होती कि यार इन दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है। तो अब आपको पता लग गया कि एज इट इज पैकेट को उठाया उसके आगे आईपी लगा दिया, मतलब जो पैकेट ऊपर वाली लेयर से आया उसमें जो भी टीसीपी यूडीपी हेडर लगा हुआ था लगा रहने दो, उसको हमने क्या किया, उसको हमने IPSec के एक तरह से हेडर में एनकैप्सुलेट कर दिया, एनवलप उठाया IPSec का और अपने मैसेज को उसके एनवलप में डाल दिया, ठीक है। अब ये जो मेरा ओरिजिनल मैसेज बन गया, अब ये जो नया मैसेज बन गया, इसको मैंने फिर दोबारा क्या किया, IPv4 या IPv6 के एनवलप में डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रूट तो ये तब जाएगा ना, मतलब ये एक्चुअल में रूट तो ये तब जाएगा जब इसके अंदर IPv4 या IPv6 का हेडर लगाएंगे। तो अभी तक वो तो लगाया ही नहीं था, तो फाइनली इसके ऊपर IPv4 या IPv6 का लगा दिया हेडर, अब हमने नीचे वाली लेयर पे भेज दिया। तो एक तरीके से ये अपना ट्रांसपोर्ट मोड कहलाता है। देन अगर हम बात करें यहां पे टनल मोड की, तो टनल मोड वैसे जनरली VPN में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जब हम यूज करते हैं तो उस केस में टनल मोड को यूज किया जाता है। वैसे तो IPSec को ही VPN के पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट टनल मोड में हम लोग कैसे काम करते हैं थोड़ा सा फर्क है। देखो यहां पे भी वही पैकेट आया ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से, जो भी हेडर इसमें लगा हुआ है, जो भी पेलोड है, व्हाटएवर इट इज, उसको हमने उठाया एज इट इज। और यहां पे ऑब्वियसली नेटवर्क लेयर का क्या काम है कि जो डेटा, जो पैकेट ऊपर से आया उसके ऊपर क्या लगा दो, IPv4 का या IPv6 का हेडर लगा दो, मतलब इसको बता दो कि तूने कहां पे जाना है, कैसे जाना है, सारा कुछ हमने इसमें बता दिया, ठीक है। मतलब इस पूरे पैकेट के आगे IPv4 का हेडर लग गया, अब ये IP डेटाग्राम बन गया या IP का पैकेट बन गया, अब इसको हम IP का पैकेट बोल सकते हैं, यस IP पैकेट बन गया क्योंकि इसके आगे हेडर लग गया। अब हमने क्या किया, इसको पूरे को एक तरह से एनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब इसमें हेडर भी है, इस पूरे के अंदर हेडर और ऊपर से जो डेटा आया वो एज इट इज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा था जो ऊपर से आया, यहां पे डेटा और IPv4 का हेडर भी लगा हुआ है
उस पूरे को एनकैप्सुलेट कर दिया और उसके आगे क्या लगा दिया, आईपी सेक लगा दिया, हेडर और आईपी सेक का ट्रेलर। ठीक है, सिक्योरिटी मिल गई। सिक्योरिटी मिलने के बाद अब देखो, जब ये पैकेट नीचे जाएगा और आगे नेक्स्ट रूट पे जाएगा, नेक्स्ट नोड पे जाएगा, तो पता कैसे लगेगा राउटर को कि भैया अपना जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है, क्योंकि जो आईपी का हेडर था वो तो अंदर छुप गया, जो ओरिजिनल हेडर था वो तो अंदर छुप गया, उसके ऊपर तो आईपी सेक आ गया। तो यहां पे आईपी सेक के ऊपर दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इसको एनकैप्सुलेट कर देंगे, और इसको एनकैप्सुलेट करके फाइनली बाहर हमने आईपी V4 या V6 का बोल सकते हो हेडर लगा दिया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो दो हो गए, एक बाहर भी IPv4 का और एक अंदर भी था यहां पे IPv4 का। तो गाइज इसीलिए इसको टनल मोड बोला जाता है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं एंड टू एंड के लिए, मतलब होस्ट टू होस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं राउटर टू राउटर के लिए अगर मुझे सिक्योरिटी देनी है, या सर्वर टू सर्वर के लिए, गेटवे टू गेटवे के लिए मेरे को देनी है। समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, लेट से ये सोर्स है, रास्ते में ये एक राउटर है, दूसरा राउटर है, और ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट बोर्ड को यूज करते हैं तो ट्रांसपोर्ट बोर्ड का पर्पस क्या है कि यहां से पैकेट को सिक्योर कर दिया, अब वो सीधा पैकेट सिक्योर होके यहां पे पहुंचेगा। राउटर ने रास्ते में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रूट दिखाना है कि तू इधर से जा, तू इधर से जा, दैट्स इट। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने जो ओरिजिनल पैकेट था इंक्लूडिंग हेडर वो तो हमने छुपा दिया, वो तो हमने छुपा दिया, इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा हेडर लगा दिया और वो पैकेट यहां गया। इसने उसके बाद जो बाहर वाला हेडर था उसमें बताया कि भैया तू इस राउटर पे जा, उसने बताया कि तू इस पे जा, मतलब कहने का कि ये ज्यादा सिक्योरिटी आप कह सकते हो प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये हर एक नोड टू नोड एक तरह से आपको बताता है कि भैया तूने अब इस नोड पे, तूने इस नोड पे, इस तरीके से जो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टनल मोड बोलते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल पैकेट था, ओरिजिनल हेडर था, वो भी छुपा हुआ है, वो भी छुपा हुआ है। यहां पे क्या था कि जो ओरिजिनल हेडर था वो बिल्कुल बाहर है, ठीक है, तो ये यहां पे ओरिजिनल हेडर अभी भी छुपा हुआ है, बाहर वाला हेडर तो सिर्फ एक तरह से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए, मतलब यहां पे ये जो बाहर होगा इसमें मैं पहले डाल दूंगा R1, मतलब इसका एड्रेस डाल दिया, फिर वो R1 के बाद मैं डाल दूंगा R2 का एड्रेस, तो R2 हो जाएगा, फिर R2 के बाद मैं डाल दूंगा D का, जो ओरिजिनल D पे पहुंचाना था वो तो अंदर हमने यहां पे छुपा रखा है। तो इस तरीके से ये टनल मोड जो है वो वर्क करता है, ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अचीव करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ऑब्वियसली यूज केस आपको पता लग गया कि ट्रांसपोर्ट मोड हम कहां पे यूज करते हैं, टनल मोड हम कहां पे यूज करते हैं। थैंक यू।